सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने वाले 80% प्रतिभागियों के अनुसार इससे आपूर्ति श्रृंखला ऑप्टिमाइज हुई है, क्योंकि टैक्स आर्बिट्राज और ऑक्ट्राई के हटने के परिणाम स्वरूप राज्यों और शहरों की सीमाओं से चेक पोस्ट हट गए हैं। साथ ही जीएसटी का कर आधार बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया है। इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण बढ़कर लगभग दोगुना तथा 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे राज्य भी लाभान्वित हुए हैं। राज्यों को जारी किए गए कंपनसेशन सहित राज्यों के एसजीएसटी राजस्व की बयंसी 2017-18 से 2022-23 तक जीएसटी के बाद वाली अवधि में ये 1.122 है। इसके विपरीत वर्ष 2012-13 से 2015-16 की जीएसटी से पूर्व की 4 वर्षों की अवधि में विलय होने वाले राज्य राजस्व की टैक्स बयंसी केवल 0.72 थी। इससे सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता हैं, क्योंकि संभार तंत्र संबंधी लागतों और करों में कमी के परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई है। हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क में अनेक उपाय किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में जब पहली बार नेशनल टाइम रिलीज अध्ययन शुरू हुए, तब से 4 वर्षों की अवधि में इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात निर्गम समावधि 47% कम होकर 71 घंटे रह गई हैं। एयर कार्गो परिसरों में 28% कम होकर 44 घंटे तथा बंदरगाहों में 27% कम होकर 85 घंटे रह गई है। कर प्रस्ताव। कर प्रस्तावों के संबंध में परंपरा के अनुरूप मैं कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं और प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर दरें यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव कर रही हूं। तथापि स्टार्टअप और सॉवरेन संपदा या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिटों की कतिपय आय पर कर छूट की समय सीमा 31/3/2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं समय सीमा की इस तारीख को 31/3/2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने की सरकार की परिकल्पना के अनुरूप मैं करदाता सेवाओं में सुधार हेतु एक घोषणा करना चाहती हूं। बड़ी संख्या में कई छोटी छोटी गैर सत्यापित गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद हैं। इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक के अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 से संबंधित 10,000 रुपये तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूं। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है। अर्थव्यवस्था तब और अब। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, चरण दर चरण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखें, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार ने इसे सफलतापूर्वक किया। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है और अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च संधारणीय समृद्धि पथ पर बढ़ चली है। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे
और अब कहाँ है, मैं इसको दोहराना चाहूँगी। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, केवल इसलिए कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबको सीखा जा सके। इस संदर्भ में सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। शासन, विकास और निष्पादन, प्रभावी प्रदायगी और जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है, ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े, शब्दों के साथ मैं इस गरिमामय सदन में अंतरिम बजट पेश करती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर टू। सर, विद योर परमिशन। महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध FRBM अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूँ। मध्यम अवधि राज्य वित्तीय नीति सह राज्य वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और वृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण, मद संख्या 3। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वित्त विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।